हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे को नए वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीक बुधवार को, मतलब कि वेनसडे को, 8 तारीख को, हाँ, 8 तारीख को छुट्टी है, ठीक है। और उसका मतलब क्या है छुट्टी होने का गाइस? सिंपल सा मतलब है कि मंगलवार को क्लोजिंग के टाइम, मतलब सेकंड हाफ में हमारे सेलिंग आएगा, ठीक है। जो लोग ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखना चाहते वो लोग सेलिंग करेंगे, और थर्सडे को फर्स्ट हाफ में बाइंग आएगा, क्योंकि जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखेगी वो बाय करेंगे। तब बात करते हैं आगे कि क्या होगा। तो गाइस, सबसे पहले हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट, और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमें गाइस मिलेगा 17,250, 16,950 और 16,750 पे। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा गाइस 17,800, 18,000 और 18,200 पे, ठीक है। इनको हटा देते हैं अभी। सबसे पहले डाउन ट्रेंड की लाइन ड्रॉ कर लेगी अपन, ठीक है। ये गाइस ड्रॉ कर लिया हमने डाउन ट्रेंड की लाइन। एक और लाइन ड्रॉ करेंगे अभी हम, सपोर्ट नीचे से जो मिल रहा है उसकी लाइन। तो गाइस यहाँ पे हमने दो लाइन ड्रॉ कर ली है, और अगर आप देख सकते हो तो जो हमारा टेक्निकल क्लोज आया है, मतलब मार्केट का क्लोज, वो हमारे डाउन ट्रेंड की लाइन को ऐसे टकरा के बंद आया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अभी जो पैटर्न बन रहा है, ठीक है, अगर मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे गया था, फिर पड़ा, फिर गिरा, फिर उपड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक, मतलब कि नेक्स्ट वीक हमें शायद 17,800 से लेकर 18,000 के बीच, मुझे 17,900 तो लग रहा है, लेकिन टेक्निकली जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो है 17,800 और 18,000 पे, ठीक है। अगर 17,800 के ऊपर हुआ क्लोज तो 18,000 तुरंत आ जाएगा, और 18,000 के ऊपर के हुआ तो 18,200, 250 तुरंत आ जाएगा। अब यहाँ पे अब दूसरी चीज़ ये है देखने वाली कि नीचे की ओर जो अभी पैटर्न बना है उसका सपोर्ट जोन आ रहा है करीब 17,350 के करीब, ठीक है। लेकिन मैंने क्यों 17,250 का सपोर्ट लिया है, उसका सिंपल रीज़न ये है कि लास्ट टाइम जो सपोर्ट लिया था 17,350 के करीब, उससे ब्रेक दिया था नीचे अभी जो बना है। तो अभी अगर मैं समझता हूँ तो लॉन्ग रन के लिए यही सपोर्ट लेके चलो 17,250 का, और उसी के बेसिस पे आप जो भी ट्रेड ले वो ले। देखना रहेगा कि मंडे को अगर गैप अप हो रहा है तो समझ लेना कि 17,800, और मुझे तो लग रहा है कि 18,000 तक जाएगा। वो लोग पूरी ट्राई करेंगे वहाँ तक लेके जाने के, लेकिन एटलीस्ट हमारा पहला जो टारगेट रहना चाहिए 17,800 तक जाने का। और दूसरा कि जो अब नीचे की ओर जो ट्रेंड चल रहा है वो ब्रेक होगा मंडे को, अगर हमारे जो आज हाई बना है वो उसके ऊपर क्लोज आया 17,650 के ऊपर मंडे को, तो समझ लेना ट्रेंड ब्रेक हो रहा है वापस के लिए, वो अप ट्रेंड का ट्राई कर रहा है। और यहाँ तक हमें देखना रहेगा कि वो 18,000 तक जा रहा है, क्योंकि वहाँ से फिर रेसिस्टेंस शुरू हो जाएगा। और जिस हिसाब से आप देख सकते हो जो बार बार पीक बन रहे हैं, यहाँ पे फिर यहाँ पे बना और फिर यहाँ पे, तो ये बार बार जो पीक बन रहे हैं वो वापस यहाँ पे करीब 18,000 पे, तो ये ट्रेंड जो नीचे की ओर है थोड़ा ऊपर की ओर जो वो पीक बना रहा है, तो वो ट्रेंड नीचे बरकरार रखे, वापस वहाँ से गिरावट हो सकती है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि जिनको सेल करना है ऊपर वो 18,000 के ऊपर जाए तभी सेल करे, उससे पहले बीच में ना करे, फंस जाओगे। और जिनको बाय करना रहे मैं कहूँगा बाय कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ गलत है, क्योंकि अभी अप ट्रेंड चल रहा है, मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और मुझे लग रहा है बूस्ट भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। दूसरा उसका रीज़न क्यों कह रहा हूँ कि मोमेंटम अच्छा है, उसका दूसरा रीज़न ये है कि हमारा जो मूविंग एवरेज है MACD, ठीक है, वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, इसकी वजह से ये इतना भागा है, ठीक है। दूसरी चीज़ बता दूं कि ज़्यादातर स्टॉक जो चले हैं वो अदानी के ग्रुप के हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उसी पे फोकस करो, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब इंडेक्स चलता है तब उन तब क्या होता है कि अगर कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स ही चले हैं तो बाद में उस इंडेक्स को बरकरार रखने के लिए जो स्टॉक नहीं चल रहे उनको भी चलाना पड़ता है, और वो जब चलते हैं तब जाके वो इंडेक्स वहाँ पर स्टेबल होता है, फिर नए ब्रेकआउट्स देता है। तो मैं इतना भी कह सकता हूँ कि नेक्स्ट वीक शायद हमें पॉजिटिव मोमेंटम रहे, लेकिन उसके बाद वाले वीक शायद एक रेंज बाउंड मोमेंट में भी रहे। तो अभी के लिए सिर्फ नेक्स्ट वीक में कहूँगा डेली चार्ट के हिसाब से मुझे मोमेंटम का भी अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो उसकी RSI थी वो नीचे और अडा मतलब छू के एक छूना तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि नीचे की ओर जो ओवरसोल्ड है वहाँ पर गिरने से पहले उसको उठा लिया गया है, उसको
मतलब ऊपर की ओर लिया गया है। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि जो ये मोमेंटम बन रहा है आरएसआई का, वो अभी भी बरकरार है। एटलीस्ट मंडे को दिन मुझे लग रहा है कि वो 17 या 800 तक जा सकता है पूरा चांस है। तो ओवर निफ्टी में 200-300 पॉइंट का मूव देखने को मिलेगा। और बैंक निफ्टी में भी मैं अभी बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है 1000 पॉइंट का एक और मूव देखने को मिलेगा, लेकिन वो बैंक निफ्टी के टाइम बात करते हैं। तो अभी के लिए डेली चार्ट के हिसाब से टेम्पररी मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है मंडे को, और मुझे लग रहा है ट्यूसडे को फर्स्ट हाफ में भी हमें थोड़ा एक मोमेंटम मिलेगा अच्छा खासा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि बुधवार के दिन 8 तारीख को वेडनेसडे को छुट्टी है, तो काफ़ी चांसेस है कि लोग वहाँ पे एग्जिट लेना चाहे मंगलवार को ही और वापस थर्सडे के दिन एंट्री ले, तो ये भी देखना रहेगा। अब आते हैं वीकली चार्ट पे गाइस, ये सब हटा देता हूँ। वीकली चार्ट पे गाइस मैं अभी लाइन नहीं बना रहा हूँ, लेकिन सिंपली आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी हद तक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो नेक्स्ट वीक जो ट्रेंड ब्रेकर रहेगा वीकली चार्ट के हिसाब से, वो 17 या 800 के ऊपर के क्लोजिंग बेसिस पे होगा। तो मुझे लग रहा है कि 18,000 तक जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चला बीच में, तो फ्राइडे के दिन वापस सेलिंग देखने को मिलेगा और क्लोजिंग जो बेसिस आएगा वो मुझे लगता है 17,800 या उसके नीचे ट्राई करेगा। फिर देखना रहेगा कहाँ क्लोजिंग करता है। तो फ्राइडे को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है गाइस, ये याद रखिए। दूसरा, यहाँ पे एक ट्रेंड ब्रेक हुआ है नीचे की ओर, एक नया लो बना के वापस एक जंप दिया है ऊपर अच्छा खासा। तो ये भी मोमेंटम बरकरार रखने के लिए और ये ब्रेक करने के लिए हमें नेक्स्ट वीक 17 या 650 के ऊपर क्लोज चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट वीक जो क्लोज आना चाहिए वो 17 या 800 के नीचे और 17 या 650 के ऊपर आना चाहिए। लेकिन मैं गलत हो सकता हूँ, उसका एक सिंपल मैं रीज़न दे देता हूँ कि जो हमारा MACD है मूविंग एवरेज, उसमें अगर आप देखो तो दिखेगा कि जो सेलिंग प्रेशर है वो बराबरी का है। जो पिछले वीक का सेलिंग प्रेशर था उसके बराबर का इस वीक का भी सेलिंग प्रेशर है। काफ़ी बड़े चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन सेलिंग प्रेशर बरकरार है। तो जब तक हमारा ट्रेंड नहीं होता चेंज, 17,800 के ऊपर क्लोज नहीं आता, ट्रेंड चेंज नहीं होता, तब तक के लिए मैं यही कहूँगा कि अभी दोनों साइड आपको फंसने के चांस है। अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तब भी फंसोगे, और अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तब भी फंसोगे। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, मैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि 17,000 के करीब आए, 17,000 के नीचे आए, करीब या नीचे, तो ही बाय करें लॉन्ग टर्म वाले। जो लोग इंट्राडे और वो करते हैं, उनके दोनों मैंने लेवल्स बता दिए कि ऊपर 18,000 और नीचे की ओर। अगर अभी तुम लोग 17,250 का एक SL लेके पकड़ो, उसमें आप बाय सेल कर सकते हो। RSI की माने तो RSI हमें इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम के हिसाब से थोड़ा सा मोमेंटम चेंज हुआ है, लेकिन कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं दिखा रहा है RSI। तो मोमेंटम के हिसाब से दिख रहा है RSI में कि नेक्स्ट वीक न्यूट्रल रहना चाहिए, मतलब कि अप और डाउन दोनों साइड देखनी चाहिए। और क्लोज में जैसे मैंने बोला 17,650 के ऊपर और 17,800 के नीचे, मतलब उनके बीच में कहीं क्लोज आना चाहिए नेक्स्ट वीक। तो ये मेरी राय है निफ्टी पे। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो गाइस अभी हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें गाइस, तो नेक्स्ट वीक हमें बैंक निफ्टी में सपोर्ट मिलेगा 39,900, 38,500, 37,500 पे। रेजिस्टेंस की बात करें गाइस, तो रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 42,000, 43,000, 44,000 पे। ठीक है, अब इनको हटा देते हैं और अभी हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारी लाइन्स। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो लाइन ड्रॉ की है। ये सबसे पहली जो है वो डाउन ट्रेंड है, दूसरी यहाँ पे हमारी नीचे की ओर अभी जो मोमेंटम बना है अप ट्रेंड का वो है। ठीक है, तो ऊपर का लेवल जो आता है हमारा नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है, ये डेली चार्ट का है। तो गाइस एटलीस्ट वीक का तो नहीं बोल सकता, लेकिन नेक्स्ट डे मतलब कि मंडे को और ट्यूसडे को लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर की ओर 42,000 और नीचे की ओर मैं बोलूँगा 40,000। ठीक है, तो ऊपर की ओर 42,000 और नीचे की ओर 40,000 का ट्रेंड दिख रहा है कि, लेकिन मोमेंटम के हिसाब से मुझे लगता है कि ये मोमेंटम और बरकरार है, तो पूरे चांस है 42,000 तक जाए। वहाँ वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है हमें 42,000 पे, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार, क्योंकि अगर पैटर्न देख रहा हूँ ना मैं, तो ये देखो पैटर्न, ये एक, ये दो और ये तीन, ठीक है, ये W जैसा पैटर्न बन रहा है और मुझे लगता है ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट देगा और 43,000 तक भी जा सकता है। लेकिन ये पॉसिबल होना तभी पॉसिबल है कि फ्रेश बाइंग दिखे तो, लेकिन मोमेंटम के हिसाब से निफ्टी कमज़ोर है, तो
बैंक निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि नेक्स्ट वीक हमें जो धमाल दिखेगा, जो बमबारी दिखेगी, वो बैंक निफ्टी में होगी, क्योंकि बैंक निफ्टी पूरा ट्राई करेगा ब्रेकआउट के लिए और निफ्टी उतना परफॉर्म नहीं करेगा। तो टेक्निकली अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखने लायक है, वो है कि यहाँ पे अगर आप देखो मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज हमें दिखाता है कि यहाँ पे मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हुआ है और काफ़ी अच्छी बाइंग के साथ मोमेंटम शुरू हुआ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है दो हमारे जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो सकते हैं। 42,000 बिल्कुल ब्रेक होगा, वो मुझे पूरे दिख रहे हैं, लेकिन 43,000 ब्रेक होगा कि नहीं उस पर डाउट है। तो पूरे चांस है 43,000 शायद ना भी हो, उसके बीच में ही झूले, लेकिन फिर भी पूरा चांस है 43,000 तक जाने का। दूसरी चीज़, हमारी जो RSI है वो फाइनली उसने 52 के ऊपर ब्रेक दिया है, तो थोड़ा सा एक ऊपर की ओर रेसिस्टेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगा। और मोमेंटम के वाइज मुझे लगता है मंडे और ट्यूसडे को आई थिंक पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन फिर थर्सडे के दिन थोड़ा सा डाउन, और फ्राइडे के दिन देख लेते हैं। चलो वीकली चार्ट पे आते हैं, तो वीकली चार्ट पे अगर यहाँ पे देखते हैं गाइस, तो इंडिकेशन दिख रहा है कि वीकली चार्ट के हिसाब से ये जो चार्ट यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल के साथ ग्रीन हुआ है, वो पिछले वीक के हाई को ब्रेक नहीं किया है, उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है। तो मोमेंटम के हिसाब से 42,000 मतलब ब्रेक कर सकता है, 43,000 जा सकता है, लेकिन फ्राइडे के दिन वापस सेलिंग देखने को मिलेगी, तो पूरा चांस है 42 या 500 या उसके बीच के या उसके नीचे क्लोज आए। लेकिन जिस हिसाब से वीकली बेसिस पे मोमेंटम बन रहा है, और मूविंग एवरेज, इसको पहले हटा देते हैं सबको, हाँ मूविंग एवरेज हमें इंडिकेट कर रहा है, हमारा MACD इंडिकेट कर रहा है ट्रेंड का, तो सेलिंग प्रेशर नीचे की ओर कम हुआ है, तो एक अच्छा सा बाइंग दिखा है हमें फ्राइडे को। तो ये टेक्निकली पॉसिबल है कि जैसे मैंने अभी W पैटर्न बताया कि वहाँ पे अब ब्रेकआउट देखने को मिले, और हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है 43,000, वहाँ तक जा सकता है। RSI की बात करें तो RSI अभी 52 है यहाँ पे, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट वीक हमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम दिखेगा वीकली बेसिस पे। तो डेली शायद पॉसिबल है कि डेली हमें 1,000 पॉइंट का मूव देखने को मिले, अप या डाउन, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए। ये बात थी गाइस बैंक निफ्टी की, अब आते हैं स्टॉक पे। तो गाइस सबसे पहले हम देख रहे हैं HCLTech का रिव्यू वीकली चार्ट के बेसिस पे। नेक्स्ट वीक हमने बोला था कि HCLTech में डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है और काफ़ी हद तक डाउन ट्रेंड रहा, लेकिन इस वीक हमें एक ग्रीन सिग्नल मिला है, ये इंडिकेट करता है कि ट्रेंड चेंज होने का चांस है। लेकिन जिस हिसाब से उसने हाई और लो बनाए है, हाई बनाया है 1130 के करीब, लो बनाया है 1070 के नीचे, तो पूरा चांस है कि हमारा जो सपोर्ट है, मैंने जैसे बोला 1060 के करीब, तो मुझे लगता है कि 1050 का एक यहाँ पे SL रख के यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट वीक भी पूरा ट्राई करेगा नीचे आने का, लेकिन ऊपर की ओर नए हाई नहीं जब तक होते तब तक ब्रेक नहीं होगा। तो जिन लोगों को रिस्क लेना है वो लोग 1050 का एक CBSL के साथ उसके करीब आए या तो उसके आसपास हो तो बाय कर सकता है, वापस आपको 1100 1120 130 देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऊपर की ओर मैं बता दूं 1150 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक वो ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक कि यहाँ पे एक बड़े मूव्स नहीं देखेगा, रेंज बाउंड मूव ही देखने को मिलेगा। तो इसकी भी जो सारी जानकारी है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। अब आते हैं गाइस इन्फोसिस के रिव्यू पे। नेक्स्ट वीक बाइंग का बोला था, मैंने पहले ही बोला था कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि हमारे वीकली बेसिस पे सपोर्ट के करीब था नेक्स्ट वीक, लेकिन वही हुआ जो डर था। हमारा जो नीचे 1550 का एक CBSL था, वो पूरा ब्रेक करके उसके काफ़ी ज़्यादा नीचे, और हमारा जो सपोर्ट हमें दिख रहा था एक 1500 पे, और दूसरा सपोर्ट लेगा 1450 पे, तो 1500 का तो ब्रेक हो गया है, उसके नीचे करीब आ गया है। दूसरा अब अभी जो सपोर्ट हमें मिलेगा वो 1450 का है। तो जो लोग को बाइंग में इंटरेस्ट है, मैं कहूँगा अभी के लिए रुक जाइए। अगर जो रिस्क लेना चाहते हैं वो कर सकते हैं 1440 के एक CBSL के साथ, 1450 या उसके करीब हो या उसके नीचे तो बाय कर सकते हैं। 1440 का एक CBSL रखे, उसके नीचे अगर क्लोज आरत निकल जाए, तो इसकी भी जो सारी डिटेल है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइस अब हम देख रहे हैं PNB का वीकली चार्ट, और मैं बस इतना कहना चाहूँगा टेक्निकली नेक्स्ट वीक मुझे बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और दूसरा वीकली बेसिस पे PNB ने एक ब्रेकआउट दिया है, टेक्निकली पॉजिटिव हो गया है पूरा चार्ट, और नीचे की ओर मूविंग एवरेज में सेलिंग प्रेशर भी काफ़ी कम हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि एक स्ट्रॉन्ग
एसएल के साथ यहाँ पे अगर आप बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो। नज़दीकी टारगेट है 54-56, तो इसकी भी जो सारी डिटेल है अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद बात का गाइस स्टॉक जो लिया है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का मैकडोवेल्स। अगर जिनको नहीं पता है यूनाइटेड स्पिरिट्स, तो मैकडोवेल लेने का सिंपल रीज़न ये है गाइस कि यहाँ पे अगर उसका डेली चार्ट हम देखते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ साथ एक ब्रेकआउट हुआ है। दूसरा जो उसका मूविंग एवरेज है उसने भी ब्रेकआउट दिया है। तीसरा उसका आरएसआई भी है, उसने भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है। तो इन सारे ब्रेकआउट के चलते यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इसकी भी जो जानकारी है सारी अब स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गाइस जो स्टॉक लिया है शायद एक अपर रेंज में आ जाता है अल्ट्रा टेक सीमेंट। लेकिन इसको लेने का गाइस सिंपल रीज़न ये है कि पिछले 2 वीक से लगातार उसने 2 रेड कैंडल बनाए हैं और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम सेल के लिए देख रहे हैं, तो इसकी भी जो शायद डिटेल है जानकारी है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद का गाइस स्टॉक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का लेने का गाइस सिंपल रीज़न यही है कि मल्टीपल ब्रेकआउट मिले हैं यहाँ पे हमें। थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ मैं, एक्चुअली मुझे पिछले वीक की इसकी बात करनी चाहिए थी लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो पहला ब्रेकआउट यहाँ पे जैसे कि आप साफ साफ देख सकते हो, हमारा मेन ग्रीन लाइन है सपोर्टिव लाइन, वही ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज दे दिया। दूसरा उसका मूविंग एवरेज है वो एक्चुअली पिछले वीक की पॉजिटिव हो चुका था, तो इसकी भी कोई ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है। तीसरा आरएसआई के हिसाब से मोमेंटम के वाइज भी और ओवरऑल ब्रेकआउट के वाइज भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद चौथा जो रीज़न है वो है कि वीकली बेसिस पे फाइनली उसने मल्टीपल ब्रेकआउट दिए है, डबल ब्रेकआउट। सबसे पहला ब्रेकआउट दिया गया इसकी उसने चार्ट पॉजिटिव कर दिया। दूसरा कि उसने जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था 560 का उसके ऊपर ही क्लोज दिया है। तो ये मल्टीपल ब्रेकआउट की वजह से इसकी भी जो हम बाइंग के लिए देख रहे हैं एसबीआई में, तो इसकी भी जो सारी जानकारी है डिटेल्स है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखेगी। इसके बाद का गैस जो स्टॉक है वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है एमसीएक्स। लेने का रीज़न गाइस मैं सिर्फ सिंपली यही मानता हूँ कि वीकली बेसिस पे उसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है बड़ा वाला। दूसरा टेक्निकली मूविंग एवरेज के हिसाब से उसका सेलिंग प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो गया है, तो इसकी भी जो सारी डिटेल है अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइस यही था ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा जो भी मैंने आज कलेक्ट किया था सुबह से। और यार आई होप कि अगर आपको इसमें से कुछ भी यूज़फुल लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, 90% से ज़्यादा लोग सिर्फ देख के चले जाते हैं यार, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे गाइस ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कलेक्टिव सारे इन्फॉर्मेशन के साथ, और आपको उसमें प्रॉफिट कैसे हो देखने के लिए। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो से पहले के लिए मैं आपको सिर्फ विशेष दे सकता हूँ कि आप सबको एक हैप्पी अर्निंग हो।